हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाने वाले हैं चॉकलेट केक और ये एकदम बिगनर फ्रेंडली केक है। इसके लिए हमें किसी भी नोजल्स और टूल्स की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो केक की प्रिपरेशन पहले कर लेते हैं। तो यहाँ मैंने कुछ चॉकलेट बार्स है जिसको मैंने गोल्डन डस्ट कर लिया है अच्छे से, और मैंने कुछ चॉकलेट डेकोरेशंस लिए हैं जो रेडीमेड हैं। और ये है चॉकलेट स्टोन, बोल सकते हैं, स्टोन इफेक्ट आ जाता है। इसे मैंने बटर पेपर पर थोड़ा सा बटर पेपर को क्रश किया और उस पर चॉकलेट डालकर उसे सेट कर लिया। देन मैंने उसे अनइवन तरीके से तोड़ लिया है, तो जिसकी वजह से कुछ ऐसा ये लुक आ गया। तो अब हम थोड़ी सी अपनी प्रिपरेशन कर लेते हैं। तो इसके लिए मैंने जो केक है मैंने इसे पहले असेंबल कर लिया है, फिर मैंने इस पर ये मेल्टेड चॉकलेट कोर की है और थोड़ा सा ड्रिपिंग इफेक्ट भी दिया है, ताकि ये साइड में थोड़ा ड्रिपिंग इफेक्ट से थोड़ा केक का लुक चेंज हो जाता है और काफ़ी अच्छा दिखने लगता है। सो फिर मैंने डाला है चॉकलेट और ऊपर पूरा चॉकलेट अच्छे से डाला। देन मैंने इसे अच्छे तरीके से स्प्रेड कर लिया है। ध्यान देना है कि हमें इसे प्रॉपर स्प्रेड करना है, ऐसा ना हो कि कहीं से हमारी क्रीम दिखे। सो अच्छे से स्प्रेड करना है। देन इसे फ्रिज में रख देना है 10 मिनट के लिए, थोड़ा सा सेट होने के लिए। फिर हम निकाल लेंगे केक को अपने और उसमें हम टॉपर्स अरेंज करेंगे। ये मैंने केक बार लिया है और इसे मैंने टूथपिक की सहायता से अच्छे से यहाँ पर लगा दिया ताकि ये सेट रहे। फिर जो हमने चॉकलेट बार्स गोल्डन डस्ट किए हुए डेकोरेट किए थे उसे लिया है और उसे अरेंज करना स्टार्ट किया है। आप अपने हिसाब से अरेंज कर सकते हैं, आपको जैसे पसंद है आप वैसे लगा सकते हैं, आपको जो पसंद है आप वो टॉपर लगा सकते हैं। फिर मैंने यहाँ पे साइड में भी थोड़े से लगाए हैं। फिर मैंने एक चॉकलेट लिया था। आप किटकैट ले सकते हो, पर्क ले सकते हो, स्नैकर्स ले सकते हो, वेफर्स रोल ले सकते हो, आपको जो पसंद है आप एज अ टॉपर यूज़ कर सकते हो उसे। फिर मैंने उसे ऊपर थोड़ा सा अरेंज किया। देन मैंने वापस से एक डार्क चॉकलेट बिस्किट ली है, उसको भी गोल्डन डस्ट किया है। देन मैंने उसे साइड की वॉल पे लगा दिया। फिर मैंने वापस एक चॉकलेट लिया है, चॉकलेट बार, उसे छोटा सा कट किया और उसे इन साइड के वॉल्स पर लगा दिया है। और थोड़ा मैंने बेस को सपोर्ट देते हुए लगाया ताकि मेरी चॉकलेट जो वो ये स्लिप होकर नीचे ना गिरे, और बेस का सपोर्ट रहता है तो वो काफ़ी टाइम तक अच्छे से टिकी होती है। और फिर मैंने लिया है वापस से एक बिस्किट और उसे यूँ ऊपर एज अ टॉपर की तरह सेट कर दिया है। आप चाहे तो आप भी ये तरीका यूज़ कर सकते हैं। फिर वापस से एक बिस्किट को मैंने लगाया। देन मैंने यहाँ पर भी मुझे एक रखना था, बट वो स्पेस ना फिर ज़्यादा भर जाता है और मुझे वहाँ पर ना ऑलरेडी नाम लिखना था और एक कपकेक्स रखना था और फिर थोड़े से गोल्डन बॉल्स भी डालने थे, तो इसलिए मैंने वो नहीं लगाया। देन मैंने साइड के बॉल्स पे जो भी मेरे डेकोरेशन थे उसको लगाया प्रॉपर। फिर एक सपोर्ट के लिए मैंने जो केक बाहर मैंने लगाया था उसके पीछे भी एक बिस्किट लगा दिया ताकि वो केक को अच्छा सपोर्ट मिले बैक सपोर्ट के लिए। देन मैंने वापस एक और चॉकलेट बिस्किट लगाई। फिर मैंने जो चॉकलेट बॉल्स आती है हमारी, ये आप ये मार्केट में जो मिलती है आप वो भी ले सकते हो, ये इजीली अवेलेबल हो जाती है। मेडिकल स्टोर पे भी इवन आपको ये मिल जाएगी। ये चॉकलेट डेयरी मिल्क चॉकलेट है। फिर एक कपकेक लिया, उस पर थोड़ा सा क्रीम लगाया मैंने और फिर लगा दिया, अच्छे से अरेंज किया। और थोड़ा सा ध्यान देना कि कहीं स्लिप होकर नीचे ना गिरे। आप चाहते हैं टूथपिक की हेल्प से भी इसे अच्छे से स्टेबल करने के लिए रख सकते हैं ताकि आपका स्लिप ना हो स्पेस से। तो ये मेरा हो गया फाइनल लुक केक का। यहाँ पर मैंने नाम लिख दिया है। देन मैंने थोड़े से गोल्डन बॉल्स और थोड़े से कलरफुल बॉल्स डाल दिए, कपकेक पर भी डाले हैं और नीचे जो हमारा ये बेस था उस पर भी थोड़ा सा डाल दिया है। तो वो लुक काफ़ी अच्छा आया है। आप ज़रूर ये लुक ट्राई कीजिए और अपने जो भी आपकी राय हो ज़रूर कमेंट कीजिए। और अगर वीडियो अच्छी लगे इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, फॉलो कीजिए, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।